यूपी में बच्चा चोरी के शक में भीड़ के हिंसक होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे ही मामला संभल में देखने को मिला, जहां दवा लेने जा रहे दो सगे भाइयों को भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में जमकर पीटा। हालांकि किसी तरह से पुलिस ने उन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान एक की मौत हो गई जबकि दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीड़ तंत्र का शिकार हुए दोनों युवकों में एक की मौत का पूरा मामला यूपी के संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के जरई गांव का है। बता दें कि कुरफतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव छावड़ा निवासी राजू और रामोतार अपने भतीजे रवि को दवाई दिलाने के लिए बाइक द्वारा जा रहे थे। जैसे ही वे गाँव जरई गाँव में पहुंचे तो एक स्थान पर रुक गए, तभी कुछ लोग पहुंचे और दोनों भाइयों को बच्चा चोरी करने के शक में पकड़ लिया। यहां भीड़ तंत्र दोनों भाइयों को जमकर पीटते हुए जंगल की तरफ ले गए। इस दौरान भीड़ ने दोनों को जमकर पीटा। दोनों भाई लाख दुहाई देते रहे, लेकिन भीड़ तंत्र के गुस्से से नहीं बच सके। भीड़ तंत्र का शिकार हुए दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाठियां फटकार कर किसी तरह भीड़ को खदेड़ा और कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और दोनों घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं उपचार के दौरान दोनों में से एक भाई ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। लोगों से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। अच्छा, ये कैसे पिटे हैं, क्या हुआ? ये मैं तो गाँव में था। तो बच्चा चोर समझ के इनको पीटा है क्या? ये बच्चा चोर है? बच्चा चोर है ये? बच्चा चोर है ये? नहीं, बच्चा। और कौन है फिर ये? नहीं, मेरा भाई। अच्छा, आपने भतीजे को दवाई दिलाने आए थे, तो पीटा किसने? कैसी हालत है अब इनकी? वो तो बेकार हो पड़े। अच्छा, उनका इलाज हो रहा है? अब इलाज अभी तो करेंगे। अस्पताल में ले आए उनको? पुलिस ने मदद करी है आपकी? पुलिस लेके आई है? क्या नाम है आपका? मेरा राम बहादुर नाम है। ये जो अभी जो पिटाई की थी बच्चा चोरी के मामले को लेके, इसमें जो खत्म हो गए कौन है आपके? हमारे चचेरा भैया। क्या हुआ, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये, रीट गए थे दवाई लेने के लिए, बच्चों को लेकर आए, भतीजा था इनका, बाप घर न आए तो यही लेकर चले आए। फिर रीट शेर सिंह ने मना कर दिया कि भैया ऐसा करो, चंदौसी ले जाओ। तो ये सीधे चंदौसी आ रहे, यहाँ जा रहे, आगे इन लगा के पकड़ लिए, इन्हें मारधार चालू कर दिया। क्यों मारा था इनको? के बच्चे चुरा के ले जा रहे हो। अच्छा, फिर इन्होंने बहुत ही मना करी कि भैया हम छावड़े के रहने वाले हैं, जो बुआ। तो अभी इनका इलाज कहाँ चल रहा था? इलाज सरकारी में। और कहाँ ये खत्म कहाँ हुए? खत्म तो यही है भैया, एम्बुलेंस में उनको लेकर के चंदौसी में आ रहे थे, चंदौसी जल्द इलाज के लिए। इसी बीच में कुछ लोगों ने इसको ग्राम उसने रोक लिया, वहाँ पे जरई गांव में, जरई गांव में रोक लिया, वहाँ पे बच्चा चोरी का पिटाई में तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची, दोनों को लाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे एक की मृत्यु हो गई है और एक को इसका इलाज अभी जारी है। इसमें अभी तक चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है, टीमें दबी दे रही है, लगातार गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। जो भी इसमें शामिल है सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे जितने भी अपराध हैं, अगर कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है या ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, तत्काल अरेस्टिंग करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे। और जो लोग व्हाट्सएप और मीडिया पर भी ऐसी झूठी खबरें अफवाहें फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, पीड़ित परिवार के कोई आड़ते मत की घोषणा अभी इसके बारे में हमारे डीएम साहब हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसमें जो भी आर्थिक सहयोग हो सकता है वो इसमें उपलब्ध कराएंगे। सर, इसमें एक गंभीर घायल है, उसके इलाज के लिए? हाँ, उसके इलाज के लिए उसको रेफर कराया गया, उसको मुरादाबाद भेजा गया है। उसके साथ हमारा पुलिस बल भी मौके पर है और सभी लोग लगे हुए हैं कि आपको ऐसी अपनी स्थिति न उत्पन्न होने पर, इसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं।